बेटा तुम फिर लग गई काम में। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने कोई कामकाज नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। रहने दे अम्मी, 2 महीने घर पे बैठी हूँ। आज दिल जा रहा था कि खाना बनाऊँ, इसलिए बना लिया। यकीन जानो क्या खुशबू आ रही है। और बेटा सच कहूं ना तो तुम नहीं थी ना तो ये घर बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा लगता था। तुम आई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी वापस आ गई इस घर में। ऐसी बात भी नहीं है, आप बस बिला वजह मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। इलियास बिल्कुल ठीक कह रहे। बस बेटा हमने ही तुम्हें पहचानने में बहुत गलती की। आप बार बार ऐसी बातें मत किया करें, मैं शर्मिंदा होती हूँ। बेटा फराज का है, उसको पता नहीं है कि खाना लग गया। वो उनको कोई कॉल आ गई थी तो वो कहते 5 मिनट में आता हूँ। चलें जब तक आप तो लें ये। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ, किसका फोन था? आप लोग खाना खाए, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अब तुमने इतनी बात कर दी है तो अब खाना हलक से उतरेगा कैसे, बताओ अभी। हरीम ने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस बार हॉस्पिटल तक पहुंच गए। मर गई है या बच गई है? बच गई है, उसके हालात अभी खतरे से बाहर है। पता नहीं इससे क्यों हमारी जान नहीं छूट रही। हर 20-25 दिन में कोई ना कोई नया तमाशा इसकी तरफ से देखने को मिलता है। उसे तुमसे मिलना है समीर। मुझसे? कि मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैं उससे मिलना नहीं चाहती, वो पागल है, कुछ भी कर सकती है। ये बात मैंने डॉक्टर को बताई थी लेकिन वो कह रहे थे कि वो रोज रोती है, चिल्लाती है, चीखती है कि मुझे उसे मिलना है। अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, आराम से खाना खाओ बेटा। चल चल। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो बेटा। थैंक यू समीर, ये लो कबाब।